ये देखो आप कुकर, मिट्टी का कुकर। यस, इसमें देखो बाकी सीटी लगी हुई है। ये देखो आप एल्युमिनियम में जो खाना खाते हैं ना, वो खाना उसमें गलता नहीं, सड़ता है। इसमें प्रॉपर पकता है। इसमें आपको सारे साइज मिलेंगे। आप ये देखो, आप 3 लीटर का, 2 लीटर का, ये देखो 2 लीटर। भाई साहब ये देखो, भैया ने कर दिया एक कारनामा, मिट्टी का कुकर बना दिया हर साइज में। ये क्या चमत्कार है, ये चमत्कार है। कढ़ाई, आप कढ़ाई की सब्जी के शौकीन है ना, कढ़ाई खाते होंगे तो आप खाएंगे ना, तो खाते रह जाओगे। तो ये भी मिट्टी का है? ये मिट्टी का है। देखने में तो एकदम नॉनस्टिक जो कढ़ाई होती है वैसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बनाई उसी तरीके ताकि नॉनस्टिक ही, आप कहते ना नॉनस्टिक चाहिए हमें, दिमाग में बैठी हुई है। तो ये लेके जाओ ना मिट्टी का। आप बोले काला कैसे? हाँ जी, काली मिट्टी नहीं होती है जी, मगर ये टेम्परेचर ब्लैक किया होता है, इसको हार्ड पकी होती है सॉलिड। दाल हांडी, दाल हांडी, दाल मखनी बनाइए चाहे दाल फ्राई बनाइए, दोनों का मजा लीजिए आप। अरे दाल हांडी, ये देखिए आप कढ़ाई, मिट्टी की कढ़ाई। अरे वाह जी, इसमें खाइए कढ़ाई पनीर। इसका तो हैंडल भी मिट्टी का ही है, प्योर मिट्टी का। देखो और इसमें भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साइज हैं इसके, सारे साइज मिलेंगे आपको। ये छोटा है जी, ये मीडियम है, ये बड़ा है। देखिए बड़ा वाला दिखाओ एक बार, बड़ा। ये लो मतलब पूरी फैमिली का ख्याल रखा है आपने। ये देखो, अरे पूरा मजा आ जाएगा इसमें, आप जो भी सब्जी बनाएंगे आप। अब उसके बाद आइए, देखिए तवा दिखाते हैं आपको, मिट्टी का तवा। तवा इसे कहते हैं, तवा। आप ये बताइए, हम तवा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद रोटी क्या करते हैं, हम गैस पे सेकते हैं जी। कोई मतलब ही नहीं है, बेकार, खत्म हो गया वो, तो तवे का रोल ही खत्म हो गया जी। क्योंकि आधी इधर पकाई, आधी उधर पकाई, उसके बाद हमने गैस से पका दी। इसके अंदर आपको रोटी गैस से पकानी ही नहीं है, मतलब तवे पर ही फूलेगी। अच्छा, ये छेद कर रखा है, सुराख किए हुए गैस। इसमें आप बोले गैस आएगी, तो गैस नहीं आएगी। उसमें जो हीट है ना, उसकी जो हीट है वो ज्यादा आएगी, गैस नहीं आएगी, हीट ज्यादा आएगी, तो उससे रोटी हमारी फूलेगी। और एक बार इसकी बनावट दिखाना पीछे। ये देखो आप, ये देखो जी कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये दही हांडी है। अब आप पूछेंगे इसमें खासियत क्या है, दही तो वैसे जम जाती है जी। इसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो आप जिस बर्तन में जमाते होंगे ना, उसका पानी कभी सूखता नहीं होगा, पानी दही का रहता होगा। इसमें आप जमाएंगे ना, दही का पानी पूरा गायब, जादू छू, अमूल दही को भी फेल कर देगा। अमूल दही का डब्बा खोले ना, पानी आएगा उसके ऊपर, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि सारा पानी सोख लेगी है। ये कुकर है बिना सीटी का, बिना सीटी का। इसके क्या फायदे हैं? इसमें देख लो आप, हैंडल मिट्टी का, ये पकड़ने वाला मिट्टी का, ढक्कन भी मिट्टी का। इसमें क्या है, ये बनेगी आपकी दाल। अच्छा, उबली हुई, इसमें चावल उबले हुए। अब आप बोलोगे दाल तो बहुत देर में बनती है जी, तो आपने क्या करना है, सुबह दाल बनानी है तो रात को भिगो के रख दो आप, सुबह तक आधी गल जाएगी वो, उसके बाद तो इसका काम है बाकी गलाना। अगर चाय के शौकीन है तो आप फ्राई पैन, मिट्टी के बोतल, बोतल नहीं, ये तो तोहफा है गर्मी का। अरे वाह जी वाह, और इसके ऊपर आपने डिजाइन भी कर रखा है। हाँ, ये वाटर कलर है, ऑयल पेंट नहीं है, कभी नुकसान नहीं करेगा ये। ये देखिए आप, सादे वाले हो गए, सादी वाली है ये देखो। अरे वाह जी वाह, 1 घंटे में आपको ठंडा पानी मिलेगा, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर। और कितनी देर रहेगा? जब तक आप पियेंगे नहीं, भरा रहेगा। ये लीजिए थाली सेट, थाली डिनर सेट। अरे वाह, मेहमानदारी के लिए। इसमें तो आप हो, देखो चम्मच भी है इसमें। अरे वाह, इसमें 2 साइज हैं, एक छोटा भी है, एक बड़ा भी है। तो ये पेंट जो है नुकसान नहीं करता? ये वाटर कलर का नुकसान नहीं करेगा। इसमें कप के एक से एक डिजाइन मिलेंगे आपको, देखिए। अरे वाह भाई वाह, बियर पीने की या दारू पीने के शौकीन जो है ना, एक बार मेरे कहने से एक बार जरूर पीना, और ना मजा आया ना मुझे जरूर, मतलब डबल मजा आएगा, डबल। चाहे आप मिट्टी का बोतल ले लो, चाहे मिट्टी का कुकर ले लो, इसमें खाना बनेगा एकदम टनाटन। अगर आपको भी ऑर्डर करना है या फिर कोई भी सामान लेना है, तो भैया का आपको जो नंबर है स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप सभी को क्या करना है, वीडियो को शेयर और लाइक।